स्टूडेंट दिस इज पंकज झिमान फैकल्टी मेंबर ऑफ एस बी एस लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ द इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, एंड द क्वेश्चन इज इंटरवेंशन हस्तक्षेप तो क्या इंटरनेशनल लॉ में किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करने का राइट है क्या किसी कंट्री को क्या यू इसकी परमिशन देता है और अगर वो देता है तो किन सरकमस्टांसिस में यू जो है उसकी कंसेंट के साथ किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस किया जा सकता है यू अपने चार्टर में क्लियर बोलता है कि किसी भी किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करने का राइट किसी भी कंट्री के पास नहीं है उसको अपनी टेरिटरी के अंडर हर तरीके की लॉ मेकिंग हर तरीके का सिस्टम चलाने की जो है आज़ादी रहेगी लेकिन फिर भी यू कुछ ऐसे आ, पॉइंट्स तो पे इंटरवेंशन करने के लिए तैयार है जिसमें जो है कुछ इंटरनेशनल इशू जुड़े हों तो हम यही देखेंगे कि ये इंटरवेंशन क्या होती है हस्तक्षेप क्या होता है ये कैसे किया जा सकता है और यू लीगली तरीके से कैसे किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस जो है वो कर सकता है देखिए इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू That every state is entitled to manage willingly her own internal and external affairs and does not like interference to another state. to ye ek absolutely true fact hai कि कोई भी country जो है वो अपने तरीके से अपने देश को चलाना चाहती है manage करना चाहती है अपने internal external external matter को deal करना चाहती है और किसी भी country के interference नहीं चाहती है. Similarly, it is the duty ऑफ़ द स्टेट्स नॉट टू इंटरफियंस इन द इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट और ये बाकी स्टेट्स की भी जिम्मेवारी बनती है रिस्पॉन्सिबिल बनती है कि दे विल नॉट इंटरफेन्स द मैटर लेटेड इंटरनल एक्सटर्नल मैटर ऑफ द अदर कंट्री एज दैन एज पर इंटरनेशनल लॉ इट बिकम अ मैटर ऑफ इंटरवेंशन अगर ऐसा होता है तो ये इंटरवेंशन का मैटर जो है बन जाता है डेफिनेशन ऑफ इंटरवेंशन इन द सिंपल लैंग्वेज इंटरवेंशन मीन्स इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस डायरेक्टली और इंडायरेक्टली बाई एनी वन और मोर स्टेट्स इन द इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द एनी अदर स्टेट तो सिंपल मीनिंग में बात करें तो इंटरवेंशन का क्या मतलब है कि जब कोई एक कंट्री या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ दूसरी कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल मीटर मैटर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं तो उनको हम इंटरवेंशन जो है बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ओपेहनम प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं ये आपको पता ही है सबसे ज्यादा डेफिनेशन इनकी ही होंगी इंटरवेंशन इज डिक्टोरियल इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट तो इंटरवेंशन क्या है एक तानाशाही है जिसमें एक देश जो है दूसरे देश के अफेयर्स में में इंटरफेरेंस करता है और द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग और अल्टरिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ थिंग ताकि वहाँ पे कुछ बेसिक चेंजेस बेसिक चीज़ों को वो चेंज कर सके अपने अकॉर्डिंग उस कंट्री में कुछ चीज़ों को चेंज कर सके इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट द इंटरफेरेंस इज़ ऑलवेज फोर्सेबल होती है डिक्टोरियल होती है जब भी एक देश का दूसरे देश में कोई भी इंटरफेरेंस होता है तो वो फोर्सेबल होता है डिक्टोरियल होता है तानाशाही भरा होता है डन और इसका करने का मेन पर्पस क्या होता है ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर जो है उस कंट्री के उनमें कोई ना कोई जो है इंटरफेरेंस की जाए विदाउट द कंसेंट ऑफ सच कंट्री ओपेनियम uh, जो है इंटरफेरेंस को आगे भी प्योर और बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर करता है क्या बोलता है जी देखिए इट इज़ फोर्सेबल एंड डिक्टोरियल इट डन इन द एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री एंड इट एम टू मेंटेन द कंडीशन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द इंटरफेयरिंग स्टेट तो जो कंट्री इंटरफेयरिंग इंटरफेयरिंग स्टेट जो है वो चाहती है कि उस स्टेट में किसी तरीके कि की कोई कंडीशन चेंज की जाए जो कि उसके अकॉर्डिंग हो तो जब एक देश में कोई दूसरा देश जो है किसी भी तरीके का मिलिट्री इंटरफेरेंस कोई वॉर करता है या एग्रेशन करता है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है इकोनॉमिक इंटरफेरेंस करता है तो उसको एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोला जाता है इंटरफेरेंस या फिर वहाँ पे इंटरवेंशन इसको बोला जाता है टाइप ऑफ इंटरवेंशन की बात करें तो देखिए मिलिट्री इंटरवेंशन भी होता है पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी होता है जैसे रशिया ने क्रीमिया पे किया यूक्रेन पे किया डिक्टोल इंटरफेरेंस जहाँ पे तानाशाही भरा कोई भी डिसीजन जो उसके अगेंस्ट लिया जाता है इंटर इंटरफेरेंस विदाउट राइट किसी कोई राइट नहीं है उसका उस कंट्री पे तो फिर भी जो है वहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है वहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है उस कंट्री का उसको बिगाड़ने की स्पॉइल करने की कोशिश की जाती है इंटरनल इंटरफेरेंस वहाँ के लोगों को भड़काया जाता है राइट्स और दंगे करवाए जाते हैं एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो उसके बाकी कंट्री के साथ जो फ्रूटफुल रिलेशन होते हैं उनको उनके साथ बिगाड़ने की कोशिश की जाती है पैनल इंटरवेंशन या फिर किसी तरीके की उसको इकोनॉमिक या सेंक्शन सेंक्शन जो है उस कंट्री पे बेवजह से लगाए जाते हैं तो इंटरवेंशन जो ही नहीं डायरेक्टली हो कोई एग्रेशन के थ्रू या वॉर के थ्रू हो इनडायरेक्टली तरीके से कोई आ, आ, उस कंट्री की इंटरनल्स कंडीशन को खराब करके भी जो है इंटरवेंशन जो है वहाँ पर हो सकती है तो अब देखते हैं बेसिस ऑफ इंटरवेंशन तो यू कौन कौन से ऐसे बेसिस को सजेस्ट करता है हालांकि यू एन मना करता है बिल्कुल भी कोई इंटरफेरेंस किसी भी कंट्री में नहीं होगी लेकिन कुछ ऐसे बेसिस हैं वहाँ पे जिनके बेसिस पे यू एन ओ या यू एन ओ का सिक्योरिटी काउंसिल जो है किसी भी कंट्री के में इंटरफेरेंस कर सकता है वहाँ पे मिलिट्री भेज सकता है कोई अटैक कर सकता है या टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है या उस पर मिलिट्री सेंशनस लगा सकता है या इकोनॉमिक सेंक्शन लगा सकता है किसी तरीके की रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंक्शंस वहाँ पर हो सकती हैं तो इंटरफेरेंस की जा सकती है तो यहाँ पर अब हमने पढ़ना है कि यू ऐसे कौन कौन से बेसिस बताता है जिसके बेसिस पे किसी दूसरी कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरवेंशन हो सकती है तो सबसे पहला ग्राउंड है यूएनओ के पास इंटरवेंशन फॉर द सेल्फ़ डिफेंस एंड सेल्फ, सेल्फ प्रोटेक्शन तो यू एन ओ साहब बोलता है इंटरनेशनल लॉ साहब बोलता है कि जब आपके अपने सेल्फ डिफेंस की बात हो सेल्फ़ प्रोटेक्शन की बात हो तो उस कंडीशन में वो कंट्री जो है उस कंट्री पे इंटरफेरेंस कर सकती है जो कि उस पर किस तरीके का कोई अटैक या कोई वॉर जो उसके अगेंस्ट का कोई अग्रेशन उसके अगेंस्ट करने वाली है सेल्फ डिफेंस एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंटरवेंशन लेटर ऑन द बेसिस हैज रिमेंड ओनली फॉर द सेल्फ डिफेंस द इंटरवेंशन फॉर द सेल्फ डिफेंस इज रैदर लिमिटेड एज कंपेयर टू द सेल्फ प्रोटेक्शन अर्लियर इन द केस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन द इंटरवेंशन कुड हैव बीन मेड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अटैक और अदर वैलड रीज़न पटनाओ अंडर द आर्टिकल फिफ्टी वन ऑफ दू एन चार्टर द राइट ऑफ इंटरमेशन हेज बीन डिफाइंड तो देखिए सबसे पहले इन सेल्फ डिफेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन के बेसिस पे जो है किसी कंट्री पर इंटरफेरेंस किया जा सकता था सेल्फ डिफेंस का मतलब यहाँ पे ये यह होता है कि जब आप पे कोई अटैक हो जाए और आप अपने डिफेंस में उस पर अटैक कर सकते हैं ये वैलिड है लेकिन सेल्फ प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी भी है आपके आप पे, आप पे अटैक होने की तो वो आपसे आप पे अटैक करें उससे पहले आप ही उस पर अटैक कर देते हैं तो सेल्फ़ प्रोटेक्शन को बाद में जो है यूनो ने ख़त्म कर दिया इट मीन्स कि सेल्फ डिफेंस के मामले में ही आपको किसी दूसरी कंट्री में इंटरफेरेंस या उस पर अटैक करने का राइट right आपको जो है मिलता है है। जैसे कि आपको पता होगा नाइनटीन के टाइम पे इसराइल ने मिस्र जॉर्डन सीरिया इतने सारे देशों को अटैक कर दिया अटैक करने का कारण क्या था कि ये सभी कंट्री जो है इसराइल के अगेंस्ट जो वॉर छेड़ने वाली थी तो सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन के बेसिस पे एक पॉसिबिलिटी के बेसिस पे इसराइल ने उन पर इतना तगड़ा हमला उन पर किया कि वो उन पर अटैक और ये सच था कि वो उन पर सभी कंट्री मिल जो इसराइल पर अटैक करने वाले थे कि लेकिन वो उससे पहले उन पर अटैक करते इसराइल ने उन सभी पर अटैक कर दिया और उनका कोई वॉर लड़ने का कोई वेपन ही उनके पास नहीं छोड़ा इसको सिक्स डे वॉर बोला जाता है बहुत ही फेमस है तो इसको फिर बाहर से हटाया जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी में आप सेल्फ डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते सेल्फ डिफेंस तभी होगा जब आप पे कोई अटैक हो गया है इंटरवेंशन कैन मे कैन बी मेड इन द इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द स्टेट फॉर द सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिफेंस के लिए आप किसी भी कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेरेंस कर सकते हैं ओपेनियन के अकॉर्डिंग द यूज़ ऑफ पावर ऑफ इंटरवेंशन शुड हैव बीन मेड वैन इट बिकम नेसेसरी फॉर द सेल्फ प्रोटेक्शन द कॉरिन एटीन फोर्टी वन बेबस्टर स्टेटेड दॉलोइंग रूल इंटरवेंशन यूजेज ऑफ पावर इंटरवेंशन इज प्रॉपर ओनली वन दिस सेल्फ डिफेंस तो ओपेनियन इसको सेल्फ प्रोटेक्शन में लेके आते हैं बाकी सारे इसको सेल्फ डिफेंस में बोलते हैं अगर यू एन 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 चार्टर की बात करें तो आर्टिकल फिफ्टी वन ऑफ दू एन चार्टर द राइट ऑफ इंटरवेंशन इज स्टिल अवेलेबल तो हालांकि यू मना करता है लेकिन फिफ्टी में चार्टर में ये राइट दे रखा है कि सेल्फ डिफेंस में कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक या इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में इंटरवेंशन कर सकती है लेकिन इसकी कंडीशन क्या है वेयर देयर इज अटैक ऑन जब उस स्टेट पर अटैक हो गया हो पॉसिबिलिटी ना हो एंड नो स्टेप हैज़ बिन टेकन बाय द सिक्योरिटी काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल ने वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पे यू एन ओ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है उसका रोल क्या है कि वो सभी देश सभी इस दुनिया की एक सुरक्षा और पीस के लिए काम करती है तो अगर कोई सुरक्षा पीस को, आ, और पीस को सिक्योरिटी और पीस को स्पॉयल करने की कोशिश करता है तो यू एन ओ सिक्योरिटी काउंसिल की आ, से जो है उस कंट्री पे दबाव बनाती है और उससे बात करें तो उस पर मिलिट्री एक्शन भी लेती है तो सिक्योरिटी काउंसिल ने वहाँ पे कोई भी एक्शन ना लिया हो तो उस टाइम पे सेल्फ डिफेंस में जो है उस कंट्री के अगेंस्ट जो है इंटरवेंशन हो सकता है इसके अलावा फिफ्टी वन यू एन चार्टर ये भी चाहिए बताता है कि आ, आर्म अटैक उस पर हुआ हो सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई स्टेप ना लिया हो इन्फॉर्मेशन जो है उस इंटरवेंशिप की सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई हो री इंस्पेक्शन जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने कर ली हो रिस्िपॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी कोई रिस्पॉसिबिलिटी वहाँ पर नहीं निभाई है मेटेनिंग इंटरवेंशिप पीस एंड सिक्योरिटी और ये राइट सिर्फ और सिर्फ यू एन ओ के मेम्बर्स को ही अवेलेबल है तो सेल्फ डिफेंस में जो है सिक्योरिटी काउंसिल या यू एन ओ जो है किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में अफेयर करने की इजाजत जो है देता है इंटरवेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी तो मानवता के बेसिस पे भी मानवता के लिए भी किसी देश पर अगर कोई देश जो है अपने ही सिटीजन पे बहुत ज़्यादा हार्श है एक्सप्ल्टेशन की की जा रही है वहाँ पे जो एथनिक क्लिनजिंग जो वहाँ पे हो रही है एथनिक जो ग्रुप है माइनॉरिटी जो है उनको मारा जा रहा है तो उस कंडीशन में भी उस कंट्री पे जो है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू जो है एक्शन ले सकती है और मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है मतलब इंटरफेरेंस उसके मामले में हो सकती है नाउ ह्यूमन राइट्स इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है उन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अगर कोई कंट्री करती है और अपने ही सिटीजन को वहाँ पे मारती है उनके साथ जो है एक्सपर्टेशन uh, होती है तो उस कंडीशन में uh, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन मानी जाएगी और जब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी तो यूएनओ you know, जो है सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू वहाँ पे जो है कोई भी एक्शन जो है उस कंट्री के अगेंस्ट जो है ले सकता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जैसे कि नाइनटीन में इराक के अगेंस्ट जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्शन लिया यू you know, ने एक्शन लिया क्योंकि वहाँ पर कुर्द जो थे जो उनकी एक uh, एक ट्राइबल uh, uh, है वहाँ पे कुर्द एक माइनॉरिटी कॉम है वहाँ पे उनको मारने की कोशिश की गई थी ऑन द ह्यूमन ग्राउंड तो यून ने, ने वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स वहाँ पे अटैक जो किया था कलेक्टिव इंटरवेंशन कलेक्टिव इंटरवेंशन भी हो सकती है जब ह्यूमानिटी के बेसिस पे या फिर सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे चार पांच कंट्री मिल किसी एक कंट्री पे अटैक करती हैं या उस पर कोई दबाव बनाती हैं तो उसको कलेक्टिव इंटरवेंशन बोला जाता है कलेक्टिव इंटरवेंशन इज अ जस्ट एंड लीगल बेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स इन चैप्टर सेवन ऑफ द यू एन ओ चार्ट सिक्योरिटी काउंसिल इज इम्पावर टू टेक एक्शन ऑफ द कलेक्टिव इंटरवेंशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एल ग्रुप है यहाँ पे बड़ी सारी uh, देशों की आर्मी है ये कलेक्टिव uh, तरीके से किसी भी कंट्री पे इंटरफेरेंस जो है कर सकती है अंडर द राइट ऑफ यू एन ओ कैन इंटरफेन्स फॉर द मेनटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी तो वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी को मैंटेन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है किसी भी कंट्री पे कोई भी एक्शन जो है ले सकती है इंटरवेंशन वहाँ पे कर सकती है ये उस कंडीशन में कर सकती है व्हेन देयर इज़ एक्चुअल डेंजर और पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर इंटरशप पीस ऑन सिक्योरिटी जब इंटरनशिप पीस और सिक्योरिटी को कोई खतरा उत्पन्न हो जाए या डेंजर आ जाए या पॉसिबिलिटी आ जाए तो उस कंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक्शन ले सकती है एक्चुअल अटैक हैज़ हैज़बिन मेड या फिर एक्चुअल अटैक जो है उस कंसर्न कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री पे कर दिया है उस कंडीशन में उस पे जो है एक्शन लिया जा सकता है इसके बेसिस पे बड़े सारे यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं सिक्योरिटी uh, काउंसिल ने बहुत बार जो है कलेक्टिव अटैक uh, जो किए हैं इंटरवेंशन जो है की है वहाँ पे uh, जैसे आपके पास यू एन कोरिया इन फिफ्टी कांगो नाइनटीन इराक में 1991 में ये सिक्योरिटी काउंसिल के ही कलेक्टिव इंटरवेंशन इन स्टेट्स पे थी इंटरवेंशन इन द केस ऑफ़ सिविल वॉर तो अगर किसी कंट्री के अंदर इंटरनल uh, माहौल जो है ख़राब हो जाता है सिविल वॉर वहाँ पर छुट जाती है अपने ही लोग जो है सरकार के अगेंस्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उसको सिविल वॉर बोला जाता है और सिविल वॉर में अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आ, हत्याएं मर्डर होने लगे अपने ही लोगों को सरकार द्वारा मारा जाने लगे तो उस कंडीशन में भी जो है इंटरवेंशन उस कंट्री पे हो सकती है यू एन ओ के थ्रू इन द केस ऑफ इंटरनल वॉर द इंटरवेंशन इज़ कंसिडर्ड एज अ लीगल एंड जस्ट बेस फॉर इट्स अ सिविल वॉर इन एनी स्टेट दैन इट इज़ नेचुरल दैट इट्स इफेक्ट माइट हैव इन एक्सपीरियंस बाय द नेबरिंग स्टेट तो उस इंटरनल वॉर का इफेक्ट जो है सिविल वॉर का इम्फेक्ट जो है उस नेबर स्टेट्स पर भी होता है जो नेबर कंट्रीज होती हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ ऑल्सो अफेक्टेड इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अफेक्टेड होती है देयर फॉर द स्ट्रॉग पॉसिबिलिटी ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा जो है उसमें खतरे में पड़ जाती है तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक्शन ले सकती है अंडर द चैप्टर सेवन ऑफ द यू एन ओ चार्टर तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास हमारे पास सीरिया है सीरिया में इंटरनल वॉर है और वहां पर अमेरिका का जो ग्रुप है यू एन ओ ने बहुत ज़्यादा सेंक्शन उन पर लगाए हैं क्योंकि वहां पर जो है सिविल जो जहाँ जो पे जो पीपल हैं जो लोग हैं सिटीजन हैं वो अपनी सरकार के अगेंस्ट हो गए हाँ ये बात अलग है कि वो पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया है एक और ग्रुप तैयार हो गया है वहाँ पर जो सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है जो कि रशिया चाइना सऊदी अरब का ग्रुप है और दूसरी तरफ वहाँ पर जो है आ, ऐसा ग्रुप है जो कि आ, वहाँ पर जो आ, वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं जो कि वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं जो लोग जो अपनी सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं उनको सपोर्ट जो है कर रहा है तो ये है आपके पास इंटरवेंशन के तरीके आई होप आपको क्लियर हुए होंगे थैंक यू सो मच हैव नाइस डे